नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार पुलिस में जो भर्ती की प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई जाए और बिहार पुलिस में अब 1,00,000 पदों की बहाली हो सकती है। आपको बता दें, कल बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की थी और इस बैठक में बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा है कि राष्ट्रीय 1,00,000 की आबादी पर कितने पुलिसकर्मी होने चाहिए, ये जो राष्ट्रीय मानक है उससे अधिक बिहार को जाना है। इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि बिहार पुलिस में जल्द से जल्द बहाली हो और जो बहाली की प्रक्रिया है वो उसमें तेजी लाई जाए। आपको बता दें कि बिहार में जल्द ही 1,00,000 पुलिसकर्मियों की बहाली होगी। इसमें करीब 50,000 पद सिपाही के होंगे। राज्य पुलिस मुख्यालय ने बिहार में पुलिस पब्लिक अनुपात को राष्ट्रीय औसत के करीब लाने की कयावत के तहत यह पहल की है। मुख्यालय ने गृह विभाग को करीब 1,00,000 पुलिसकर्मियों की बहाली का प्रस्ताव भेजा है। वित्त विभाग और सरकार की मंजूरी के बाद अलग अलग चरणों में बहालियाँ की जाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रस्तावित बहालियों की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है। बिहार में वर्तमान में पुलिस बल की क्षमता करीब 91,000 की है। बिहार में प्रति 1,00,000 की आबादी पर पुलिस पब्लिक का अनुपात करीब 115 पुलिसकर्मियों का है। दूसरी ओर प्रति 1,00,000 की आबादी पर पुलिस पब्लिक का जो राष्ट्रीय औसत है वो 193.95 पुलिसकर्मियों का है। 1,00,000 पदों पर भर्ती के बाद बिहार में पुलिस पब्लिक का अनुपात 192 हो जाएगा। अगले 4 वर्षों में 1,00,000 पदों पर बहालियाँ पूरी कर ली जाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय मानक के अनुरूप प्रति 1,00,000 की आबादी पर पुलिसकर्मियों की स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए तेजी से काम करें। बैठक में एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि पुलिस बल में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के बाद राज्य में महिला पुलिस और महिला दरोगा की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनकी पदस्थापना पुलिस थाने में की जा रही है, जिसकी सराहना राज्य के बाहर भी हो रही है। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों की स्वीकृति पदों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद प्रति 1,00,000 की आबादी पर पुलिसकर्मियों की संख्या 192 हो जाएगा। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है और ख़ास करके उन युवाओं के लिए बड़ी खबर है कि जो बिहार पुलिस में काम करने का सपना देखते हैं, जो सुबह उठकर दौड़ते हैं और चाहते हैं कि वो बिहार पुलिस के लिए काम करें, तो उनके लिए बड़ी खबर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बिहार पुलिस की संख्या हो 1,00,000 प्रति। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो बहाली की प्रक्रिया है उसमें तेजी ला जाए। इसको लेकर अब बिहार पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को पत्र भी भेजा है, कहा है कि 1,00,000 बहाली जल्द निकलेगी, जिसमें 50,000 बहाली सिर्फ सिपाही पद के लिए होने वाली है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तो अब देखना होगा कि गृह विभाग के तरफ से कब इसकी अनुमति मिल जाती है। अनुमति मिलने के बाद कई चरणों में यह बहाली होगी और कहा जा रहा है कि अगले 4 साल में जो बिहार पुलिस है वो 1,00,000 पदों पर बहाली करने वाली। तो ये बड़ी खबर है। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें। इस खबर को लेकर आपका सोचना है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।